उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती देख शरद पवार और सोनिया गांधी आराम से बैठे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने उछल कूद मचाना शुरू कर दिया। पहले रिपुन वोरा ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ गुवाहाटी के उस होटल के सामने विरोध प्रदर्शन किया जहां महाराष्ट्र के विधायक ठहरे हुए हैं। उसके बाद ममता बनर्जी सामने आई और लोकतंत्र की दुहाई देते हुए घड़ियाली आंसू बहाए। कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने बागी विधायकों पर तंज कसा। उन्होंने कह दिया कि असम की जगह बागी विधायकों को बंगाल भेज देना चाहिए, उनकी अच्छी खातिरदारी की जाएगी। ममता ने कहा, महाराष्ट्र में अभी जो हो रहा है वो हैरत में डालने वाला है। इन विधायकों को असम की जगह बंगाल भेज देना चाहिए, हम उनकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि भारत में अब लोकतंत्र काम भी करता है, इस पर शक है। कहां है लोकतंत्र? क्या ऐसे ही चुनी हुई सरकारों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? हमें लोगों के लिए न्याय चाहिए, उद्धव ठाकरे के लिए न्याय चाहिए। इनका क्या है? अभी महाराष्ट्र में सरकार गिरा रहे हैं, फिर दूसरे राज्यों में भी कोशिश करेंगे। इस समय कांग्रेस और कुछ दूसरे विपक्षी दल भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की वजह से महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। अब इस पर ममता भी यही मानती है कि भाजपा के पास नंबर ही नहीं है, उसी वजह से महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि इस समय केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसीलिए उनके विधायकों नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वे कहती हैं कि मेरी पार्टी के 200 लोगों को सीबीआई और ईडी ने नोटिस दे रखा है, लेकिन भाजपा को कुछ नहीं होता, उनके पैसे का कोई हिसाब नहीं। क्या इसे हवाला नहीं कहेंगे? क्या यह एक घोटाला नहीं है कि केंद्र में बैठी पार्टी धड़ल्ले से विधायक खरीद रही है? ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसा समय भी आएगा जब वे सत्ता में नहीं रहेंगे, जब कोई दूसरा सरकार में होगा। उनका कहना है कि आज आप सत्ता में हैं तो पैसों के साथ खेल रहे हैं, जरा सोचिए जब आप सत्ता में नहीं होंगे तब क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।